स्वागत है आपका अपना पीपल विल बी टू चैनल पे। तो आज फिर से एक नया ट्रिप स्टार्ट हो गया और मैं अभी मेट्रो स्टेशन पे आ गया। मेट्रो का इंतज़ार, फिर उसके बाद चलते हैं कश्मीरी गेट, वहाँ से बस पकड़ेंगे और फिर सीधे निकल जाएंगे आराम से मज़े मारते हुए। ठीक है, तो अभी पहुँच गए कश्मीरी गेट बस अड्डा। अभी अंदर से भाई लोग, बाहर गर्मी बहुत हो रही है, कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो फाइनली टिकट मिल गया है, ये जो टिकट मिल गया 860 रुपये की टिकट मिल गई मुझे यहाँ पे। और यहाँ पर आते भी एक सीन हो गया, सीन ये कि मैं 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो गया और जबकि टिकट ही मिल जाए। जैसे आप कश्मीरी गेट के अंदर एंट्री करोगे मेट्रो स्टेशन के साइड से, तो सामने 9 नंबर का काउंटर, लेफ्ट साइड में तुम्हें 9 नंबर का काउंटर मिल जाएगा, वहाँ से टिकट मिल जाती है। शिमला मिला, उससे आगे काजा वाजा जहाँ के लिए भी जाना पड़ेगा वहाँ के लिए जो, और तो मुझे टिकट मिल गई। और बस जो है 8:20 पे आएगा। और ये जो टोटल, पहले मेरा प्लान था कि दिल्ली से रामपुर बुसैर तक जाऊँ, पर यहाँ के पता चला कि रिकोंगपियो तक की बन जाएगी बस, तो वहाँ से और रामपुर बुसैन से रिकोंगपियो तुम्हारे यही अराउंड 2-3 घंटे के पड़ जाता, वही 100 किलोमीटर के आसपास। तो मैं चलो भाई वहाँ तक ही मिल जाए तो वहाँ तक के ले ले। बाकी यहाँ आके नीचे से भी होता है, एक तो यहाँ 9 नंबर से तुम्हें बस मिल जाएगा, दूसरा जो तुम्हें नीचे अगर जाओगे तो 17 नंबर पे भी बस मिलती है और वहाँ से भी बस की टिकट पर अभी नहीं मिलेगी, वहाँ पे थोड़ा लेट होकर उन्हें बाद मिलता और यहाँ पहले मिल जाता है। तो अगर जल्दी आ रहे हो तो 9 नंबर के पास जाके तुम बस की टिकट ले सकते हो, ये ज़्यादा बेस्ट है। और बस जो बुक कराने के जो यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पे दे रखा www.hrtc.government.in/hrticket। तो यहाँ ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो टिकट जाके, तो अच्छा रहेगा अगर ऑनलाइन करा सकते हो तो मैं वही पता चल जाएगा किस टाइम बस जाएगी क्या रहेगा। और तो मैं यहाँ पे आ गया, अब देखो 8:20 की बस है, बस आती है फिर बैठते फिर चलते हैं। और यहाँ जो पहली बात, अगर कैश लेके नहीं आ रहे तो यहाँ बस स्टैंड के अंदर यहाँ पर कोई भी एक ATM नहीं है, बाहर मेट्रो स्टेशन के आसपास तुम्हें ATM मिल जाएगा। मेरी वही गलती में वापस मेट्रो स्टेशन गया, फिर वहाँ पे जाके मिल गया मुझे कैश, ATM वहाँ से मैंने निकाल लिया। आगे के सफ़र शुरू होगा, तब तक टाइम लैप्स का मज़े लो यार यहाँ के। फाइनली हमारी बस आ गई है, ये वाली जो बाहर जा रहे हैं और सीट भी मिल गया, तो सारे बंदे सामान भर रहे। तो ये टोटल जो वैसे कह रहे हैं 15 घंटे के आसपास लगेगा, 15 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा क्योंकि बाहर पहाड़ी में उसके अंदर तो लग ही जाएगा टाइम। बाकी सामान वहाँ देखिए तो भर ही रहे, देखो कितना टाइम लगता है पूरा टोटल पहुँचने में। दिन कल के 3-4 बजे के आसपास ही पहुँच पाएंगे सारे बंदे। Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world's... So, Shimla mein good morning sabko, aur hum log bhi pahunch gaye Shimla bus stand pe. देख सकते हो यहाँ कार पार्किंग है और यहाँ पे इस साइड बस स्टैंड आ रहा है और यहाँ पर ना भी हो रही है ठंड भाई साहब, ठंड हो रही है, ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही है ठंड यहाँ पर, बस एक टी शर्ट में यहाँ पे तो गुजारा नहीं हो रहा समझ सकते हो। यहाँ पे आध घंटे का है वेट, तो अभी टाइम हो रहा 5:25 और यहाँ से 5:30 के निकलने का भी टाइम हो गया, यहाँ पे निकल जाएंगे फटाफट। चलो मुझे ठंड लग रही है, बस में बैठते हैं, भाग गए हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल You and me, we meant to be in the great outdoor. तो अभी बज रहे सुबह के 9 और हम शिमला के बाद अभी हम लोग जावरी में रुके हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद खा पी लो, नज़ारे काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और अभी कहीं देखा मैंने पेड़ों पर सेब भी लगे हुए, सही 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 से
खाने का मौका मिलेगा, देखते हैं है? अभी थोड़ा सा पेट पूजा करते हैं उसके बाद। It's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. तो अभी हम लोग पहुंच गए रामपुर शहर के बस स्टॉप पे, आप देख सकते हो यहाँ पीछे रामपुर शहर के बस स्टॉप है। और यहीं से प्लान था कि कहाँ तक के लिए बस पकड़ेंगे, अगर यहाँ रुकना हो तो बस पहले मिल गया रिकोंग पीओ तक के लिए। तो अभी बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकी है, उसके बाद फिर कल्टी मार लेंगे यहाँ से, है ना। रुक के क्या करेंगे यहाँ पर, जैसा मौसम सोचा था ना वैसा है नहीं। जैसे दिल्ली में ज़्यादा गर्मी लग रही, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। शिमला में बस सुबह सुबह थोड़ा बहुत ठंड लगा था, और यहाँ पर आके बाद फिर वही गर्मी लग रही है यहाँ पर। तो गर्मी के मज़े लो भाई, रात को ठंड लगेगी बस। From a distance you can tell. सेव ताज़े बादल और पहाड़। तो अभी हमारी बस पहुंच गई है पथाल, रामपुर से निकल के पथाल में रुकी है। और नज़ारा यार यहाँ पे एकदम अल्टीमेट है इसकी आँख। अब यहाँ पर ठंडा हवा चल रहा है, तो इसकी वजह से गर्मी थोड़ी कम लग रही है। धूप तो है पर मज़ा आ रहा है, नज़ारे एकदम। जो पार है ना यार, पूरे जगह दूसरी जगह बिल्कुल ऐसे फ्लैट से होता था, ये ना पूरा ऐसे है, तो सही लग रहा है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. I'm just sitting here,
I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. फाइनली हम लोग पहुंच गए रिकोंगपियो, ये रिकोंगपियो का बस स्टैंड है और अराउंड ये हमारा हमको लग गया 20 आवर्स के अराउंड लग गया बस स्टैंड पर खड़ा हूं, ठीक है। और साथ में हमने जो नए भाई मिले आशीष मैं वहां जा रहा हूं, कल्पा अंकित कल्पा जा रहा हूं कल्पा, ये दो भाई मिल गया अभी पे। तो साथ में अब आग लगाने का प्लान चल रहा है, तो अभी भी बस थोड़ा फ्रेश हो जाओ। और यहां से फिर अभी यहां से बस कंजार कर यहां से फिर जा रहे हम कल्पा। कल्पा से थोड़ा सा ये है कि कल्पे में से जो बेस्ट चीज़ है वो ये रहेगा कि जो पीछे का नज़ारा है ना, मैं दिखाता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ये पीछे का नज़ारा है थोड़ा कल्पा से और भी ज़्यादा सही दिखेगा, इसीलिए कल्पा जा रहे हैं। इसीलिए कल्पा जाने का प्लान बन गया, अभी बस आएगा अभी बैठ के फिर रंचू हो जाएंगे। तो अभी हमें यहाँ कल्पा के लिए बस नहीं मिल रहा, यहाँ से रिकोंगपियो के बस स्टॉप से और एक बस आया था वो भी फुल था फुल, तो छत पे बैठने का भी कोई इंतजाम नहीं था उस पर। तो अभी गूगल मैप पे सर्च मारा तो गूगल मैप पे दिखा रहे हैं कि 25 मिनट से लगेगा ना, ट्रैकिंग ख़त्म नहीं होने वाली। अभी तुम्हारे वहाँ पे सर ट्रैकिंग ख़त्म हुआ, अभी यहाँ पे ट्रैकिंग शुरू हो गया, ट्रैकिंग ट्रैकिंग ट्रैकिंग, तो सारे बंदे ट्रैक कर रहे हैं। अच्छी कितना टाइम लगता है और कितने दिन में पहुँचते हैं सारे बंदे, हम देख लो। ट्रैकिंग स्टार्ट पे अभी ना मिला बस, ना मिली टैक्सी, और इसको पता नहीं क्या कहते भाई ये। तो अभी सारे बंदे फिर इसी में जा रहे हैं कल्पा। तो अभी हम लोग जो ट्रक की सवारी करने के बाद फिर आ गए यहाँ पे कल्पा में। अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें, होटल वोटल अभी सर्च करेंगे, भाई लोग इंतजार कर रहे हैं। और जो पीछे का जो व्यू आ रहा है यार एकदम जबरदस्त, वाओ। तो फाइनली हमारे होटल मिल गया और होटल का जो ये अल्पाइन होटल है यहीं पे कल्पा में है। तो होटल का मैं रूम दिखा दूँ, तो रूम देख सकते हो, होटल का बेड भी काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है। और भाई ज़बरदस्त, और इससे भी बेस्ट चीज़ है जो बाहर के जो व्यू आ रहा ना, व्यू मैं दिखाऊँ जो व्यू कैसा ये व्यू। इस व्यू के लिए हम यहाँ पर आए पागलों की तरह, और जो ये व्यू है ना इसको देख के सच में कोई ना कोई कोई पागल हो ही जाएगा। और यार मैं टाइम लैप्स की बनाने की सोचा था, कि मेरे अंदर खुजली हो रही टाइम लैप्स बनाने की, पर यहाँ पे ये है कि जो सूरज देवता थे वो प्रस्थान कर गए यहाँ से, तो कल सुबह अगर टाइम मिलेगा और सूरज देवता आ गए तो टाइम लैप्स रहूँगा यहाँ का, तो और ज़्यादा मस्त लगेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर व्यू एकदम ज़बरदस्त आ रहा है। देख लो यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे क्या है किन्नर क्लास, इस साइड पे किन्नर क्लास है जो अभी तो नहीं दिख रहा पर कल सुबह दिखेंगे। और यहाँ से ट्रैकिंग भी शुरू होती है जिसमें मोस्टली
और 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। और जिनको ज़्यादा चार लग रहा है ट्रैकिंग करने के ज़्यादा जल्दी, मतलब जिनको हैबिट है वो जल्दी और भी जल्दी कर सकते हैं, पर वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। पर व्यू यार कसम से अल्टीमेट है। और जो यहाँ पे अभी जो बैकग्राउंड में जो साउंड जो मतलब जो व्यू जा रहा है ना, जो सन आ गया उसके वजह से, और जो उसकी वजह से जो व्यू है ना, ये देखो यार क्या अल्टीमेट व्यू आ रहा है यहाँ पे। ये पूरा जो क्लाउड है ना ऐसे नीचे आ रहा है, बादल पूरे देख सकते हो, क्या मस्त वाला है। अब तो टाइम मिस लेना बनता बॉस। तो अब इन 4 करोड़ टाइम लैप्स का ये step back to see the truth around you from a distance you can